अस्सलामु अलैकुम सामीन, नौवीं कायदा और 30 मई है। ख़बर का उन्वान है जिनसी इस्तेहसाल के शिकार पहलवान हरिद्वार के लिए निकल चुके हैं। पहलवानों ने यह ऐलान किया है कि उनको जो आलमी सतह पर जो मेडल, जो तमगे, जो इनामात में मिले हैं, वो उन सब को गंगा में जाकर आज बहा देंगे। आपको बता दें कि मुल्क के मशहूर पहलवान गुज़िश्ता 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। उनका कहना यह है कि बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट और कुश्ती महासंघ के चेयरमैन ब्रजभूषण ने उनका जिनसी इस्तेहसाल किया है, उनकी इज्जत लूटी है, उनको गलत तरीके से छुआ है, छेड़ा है। और पहलवानों की मांग यह है कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए। पहलवान अपनी इज्जत बचाने के लिए और एक को उनकी निगाहों में जो मुजरिम है उसको सज़ा दिलाने के लिए 23 अप्रैल से धरने पर बैठे मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कल पहलवानों को जंतर मंतर से ज़बरदस्ती उठा दिया है। आज ये पहलवान गंगा के लिए निकल चुके हैं, वो हरिद्वार के लिए निकल चुके हैं, वो हरिद्वार जाएंगे और उनको जो आलमी सतह पर मेडल तमगे मिले हैं उनको गंगा में बहा देंगे। पहलवानों ने अपने ऐलान में कहा है कि इसके बाद वो इंडिया गेट पर जाएंगे और भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। बहरहाल ये शर्म की बात है कि बीजेपी अपने MP को इस हद तक बचा रही है जिस MP पर एक नहीं बल्कि 6-7 पहलवान जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसको अब तक न गिरफ्तार किया गया है और ना जेल भेजा गया है। ये बहुत ही शर्म की बात है।